घोस्ट लेडी पार्ट टू। अगर दोस्तों आपने अभी तक घोस्ट लेडी पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए, वरना यह स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था बुल्ली पुंगी चाचा को छोड़ने के लिए उनका घर जा रहा था और तभी रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी बुल्ली गाड़ी से बाहर निकलता है और पेट्रोल चेक करने के लिए पीछे जाता है। पुंगी चाचा वहाँ खड़े रहते हैं और तभी उधर से लाल रंग का एक चमकता हुआ पत्थर आता है जो कि पुंगी चाचा को लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद बुल्ली को भी लगता है। ये पत्थर लगने से ये लोग दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो पत्थर जिधर से आया था उधर वापस चला जाता है। ये कोई जादुई पत्थर है। ये लोग दोनों इस जगह में बेहोश पड़े रहते हैं, लेकिन बुल्ली ने तो बुल्ली को फ़ोन करके बता दिया था कि हम लोग मुसीबत में फंसने वाले हैं, तुम इस जगह में आ जाओ। और इधर बुल्ली भी उस जगह में जाने के लिए तैयार था और वो बिना किसी का परवाह किए वो उस जगह में जा रहा था। उसे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि वो जंगलों से होकर गुजर रहा था, लेकिन ये अपने भाई के लिए और अपने चाचा के लिए उस जगह में बिना डरे जा रहा होता है। वो आगे जा ही रहा होता है तभी उसे दूर में कार खड़ी मिल जाती है। फिर वो दौड़कर कार के पास जाता है। फिर वो देखता है कि इस जगह में तो कोई भी नहीं है, ना ही पुंगी चाचा और ना ही बुल्ली, ये लोग दोनों कहाँ चले गए। तभी ये साइड की तरफ जाने लगता है क्योंकि इधर से कुछ आवाज़ आती है। वो अंदर जाते जाते काफ़ी अंदर आ जाता है जंगलों के बीच और कुछ ही देर के बाद वो जो अपनी आंखों से देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बुल्ली और पुंगी चाचा एक पिंजरे में कैद है, लेकिन ये पिंजरा का कोई दरवाज़ा भी नहीं है, इसे जिसने बंद किया है वही खोल सकता है। फिर गुल्ली बुल्ली और पुंगी चाचा के पास जाने लगता है और पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने बंद किया, कौन है वो। तभी बुल्ली कहता है कि मुझे भी नहीं पता वो कौन है, हम लोगों को एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर लगा, शायद वो पत्थर जादुई पत्थर था, वो लगते ही हम लोग बेहोश हो गए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ आ गए, मुझे कुछ नहीं पता। बुल्ली ये सब बात करते ही रहता है। तभी बुल्ली कहता है, बुल्ली संभल कर अपने पीछे देखो। तभी जैसे ही गुल्ली पीछे पलटने की कोशिश करता है, वो जैसे ही पीछे पलटता है तो वो जो अपनी आंखों से देखता है उसके फिर से होश उड़ जाते हैं। वो अपने सामने दो भूतिया औरत को देखता है। ये लोग काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। गुल्ली बुल्ली और पुंगी चाचा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और गुल्ली समझ जाता है कि हम लोग इस जगह से आज बचकर बाहर नहीं जा पाएंगे। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ ही देर के बाद गुल्ली इधर उधर देखने लगता है कि ये लोग दो ही हैं या और ज़्यादा, और वो लाल रंग का पत्थर कहाँ है जिसके बारे में बुल्ली कह रहा था। और बुल्ली भी यही सब सोच रहा होता है और पुंगी चाचा भी सोच रहे थे कि मैं कहाँ फंस गया, लेकिन गुल्ली को कुछ भी नहीं नज़र आता है। वहाँ पर और कोई भी पत्थर नहीं था और ये सिर्फ दो ही चुड़ैल थी और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। इन लोगों को देखकर ही हार्ट अटैक आ रहा था। और तभी गुल्ली आगे जाकर कंफर्म करना चाहता था कि वो लाल रंग का पत्थर इन लोगों के पीछे तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी चीज़ नहीं था। फिर कुछ ही देर के बाद गुल्ली इधर उधर देख ही रहा होता है कि वो पत्थर है तो है कहाँ। फिर गुल्ली देखता है कि ये दोनों चुड़ैल हंसते हंसते पीछे जाने लगती है। पता नहीं इन लोगों का क्या इरादा है, अब ये लोग करने क्या वाली है। और अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है और ज़मीन से वो लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर बाहर निकलता है और ये पत्थर गुल्ली की तरफ आगे जाने लगता है। तभी उधर से एक दूसरा पत्थर आता है और वो लाल रंग के पत्थर में टकराता है। दोनों पत्थर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये पत्थर मारा किसने, किसने गुल्ली की जान बचाई। शायद यहाँ सोहन आया। अरे ये क्या, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं। गुल्ली ने बाबा को पहले ही फ़ोन करके बुला लिया था, लेकिन बाबा इस जगह में ध्यान क्यों लगा रहे हैं। ओह, बाबा को इनसे लड़ने का तरीका मालूम है। बाबा उस लाल रंग के पत्थर को अगर पानी में डाल देंगे तो वो लोग दोनों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पत्थर में ही इन दोनों की शक्तियाँ हैं और वो पत्थर पानी से ख़त्म हो जाती है। अब बाबा इधर उधर देखने लगते हैं कि यहाँ पर पानी किधर है, और तभी बाबा को साइड में पानी नज़र आ जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब होता है। बाबा उस तालाब को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा के पास तो पहले से ही जादुई शक्तियाँ हैं। बाबा जादुई शक्तियों से ही उस पत्थर को उस पानी में डाल देंगे। बाबा को उस पत्थर को छूना भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बाबा वो पत्थर को छू देंगे तो बाबा बेहोश हो जाएंगे। और तभी बाबा कुछ जादू करते हैं तो वो लाल रंग का पत्थर बाबा के पास आ जाता है और बाबा कुछ देर के बाद उसे जादुई शक्तियाँ से पानी की ओर फेंक देते हैं और वो पत्थर कुछ ही देर में पानी के अंदर चला जाता है। ये पत्थर जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो ये दोनों चुड़ैल भी ज़मीन के अंदर जाने लगती है। इन लोगों की शक्तियाँ भी ख़त्म हो चुकी है, अब ये लोग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। गुल्ली काफ़ी ज़्यादा ये सब देखकर खुश हो जाता है। गुल्ली सोचता है कि चलो हम लोग तो बच गए और बाबा ये सही टाइम पर आ गए, बाबा ने हम लोगों को बचा लिया।
और तभी गुल्ली इधर उधर देख ही रहा था और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो वो देखता है कि वो पिंजरा गायब हो चुका है और सारे लोग बच जाते हैं। दोस्तों ये है पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, इनमें आपके भी नाम हो सकते हैं। अगर आपका नाम इसमें नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर इस तरह की आपको और वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।